मूवी स्टार्ट होते ही हमें एक औरत दिखाई जाती है जिसको बुरे तरीके से बांधा होता है। वो काफी जख्मी होती है और उसका काफी खून बह चुका था। दर्द की वजह से वो बहुत अजीब आवाजें निकाल रही थी। साफ लग रहा था कि वो बहुत तकलीफ में है, लेकिन तब कोई आदमी आता है और अपनी गन निकाल के उसे शूट कर देता है। इसके बाद हमें 6 स्टूडेंट्स दिखाए जाते हैं जो लेक पर घूमने के इरादे से यहाँ पर आए थे और वो लेक आबादी से काफी दूर था। उन लोगों को उस लेक पर पहुँचते पहुँचते 2-3 दिन लग जाने थे, क्योंकि एक तो वो बहुत दूर थे और सारा पहाड़ी इलाका था। वो एक फॉरेस्ट भी होता है जो आबादी से तकरीबन 50 किलोमीटर की दूरी पर था। वो सब मेडिकल फील्ड में थे, यानी सब डॉक्टर्स थे। ये लोग सुबह से मुसलसल चल रहे थे और काफी दूर आ चुके थे। असल में बात ये है कि वो रास्ता भूल चुके थे। वो लोग काफी थक चुके होते हैं और रात भी होने वाली थी। वो लोग एक जगह पर रुक कर कैंपिंग लगाते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि वो सुबह को लेक को ढूंढेंगे। उन फ्रेंड्स में एक मैट जो ब्रेनी को शादी के लिए प्रपोज करने वाला था। रात को वो सब बैठकर बातें कर रहे होते हैं और तभी उन्हें जंगल से किसी की आवाज आती है। वो लोग काफी नर्वस हो जाते हैं, जिस पर जेसी कहता है कि शायद ये डॉग या वुल्फ होंगे। वो कहता है कि डरने की कोई जरूरत नहीं है, वो भी हमसे इतना ही डरते हैं जितना कि हम उनसे। इस बात को इग्नोर करके सब अपने अपने टेंट्स में चले जाते हैं। लेकिन थोड़ी देर गुजरने के बाद मैट टॉयलेट पर्पस के लिए बाहर आता है, जबकि दूसरी साइड पर उसकी बेस्ट फ्रेंड ब्रेनी उसका वेट कर रही थी। मैट को किसी की अजीबोगरीब आवाज आती है और एक चीज भी उसे नजर आती है जो इंसान जैसे ही लग रही थी, लेकिन वो चल जानवर की तरह रही थी। मैट उसे देखकर काफी शॉक्ड हो जाता है कि आखिर ये क्या है, और तभी अचानक वो मैट पर अटैक कर देती है और उसके पेट को बुरे तरीके से फाड़ देती है। बड़े ही ब्रूटली तरीके से इंटेस्टाइन्स बाहर निकाल देती है। कुछ देर बाद वहीं पर उसकी मौत हो जाती है। टेंट में उसकी फ्रेंड ब्रेनी, जो काफी देर से उसका वेट कर रही थी और वो वापस नहीं आया था, तो उसे उसकी फिक्र थी और वो खुद लाइट लेकर बाहर उसे ढूंढने जाती है। वो उसे आवाजें देकर बुला रही थी, लेकिन वो भी उस चीज को देख लेती है जो बड़े बुरे तरीके से मैट को चीर फाड़ कर रही थी। जो कुछ वो देख रही थी उसे उस पर बिलीव नहीं हो रहा था और लाइट उसके हाथ से छूटकर गिर जाती है। वो रोते हुए वापस आती है, लेकिन वो मॉन्स्टर उस पर भी अटैक कर देती है और उसकी ये चीखें सुनकर उनके सारे फ्रेंड्स अपने अपने टेंट से बाहर आ जाते हैं। वो सब फ्रेंड्स उन दोनों की तलाश में निकल जाते हैं। वो देखते हैं कि ब्रेनी तो बेहोश और जख्मी पड़ी हुई है, लेकिन जब वो मैट को देखते हैं तो काफी हैरान और परेशान हो जाते हैं कि आखिर ये किसने किया, कि क्या हुआ। अब जाहिर है उन्हें अपने अंजाम से भी डर लग रहा था। जब सुबह होती है तो उन्हें एक आदमी टेलबोट मिलता है। वो आदमी उन्हें कहता है कि यहाँ इसी एरिया में मेरा एक कैबिन है, वहाँ पर कुछ मेडिसिन और सप्लाईज भी हैं। वो कहता है कि तुम्हारे फ्रेंड्स की हालत काफी खराब है, तो तुम ऐसे तो इसे यहाँ से आबादी में नहीं ले जा सकते, तो तुम इसे मेरे कैबिन में ले आओ। अब उनके पास और कोई रास्ता भी नहीं था, तो वो एक स्ट्रेचर बनाते हैं और ब्रेनी को लेकर कैबिन में जाते हैं। अब वो सब डिसाइड करते हैं कि जेसी और जूल्स वापस मदद लाने जाएंगे, जबकि बाकी लोग यहीं पर ब्रेनी के साथ रुकेंगे। उन फ्रेंड में एक लड़की बाद में टेलबर्ट को मैट की डेड बॉडी दिखाने ले जाती है, लेकिन अजीब बात तो ये है कि वहाँ पर उसकी डेड बॉडी थी ही नहीं, सिर्फ थोड़ा सा ब्लड गिरा हुआ था। वो सोचते हैं कि ये कोई जानवर का काम नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ये किसी जानवर ने किया होता तो एटलीस्ट वहाँ हड्डियाँ तो होती या फिर घसीटने के निशान, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। दूसरी तरफ जेसी और जूल्स जो तेजी से अपने रास्ते से जा रहे थे ताकि रात होने से पहले ही वो पहाड़ों से निकल जाए, लेकिन रास्ते में किसी बात को लेकर उन दोनों के दरमियान बहस हो जाती है। गुस्से में जूल्स जेसी को पुश करती है और साथ ही जेसी वहाँ के ट्रैप पर पांव रख देता है और वो ट्रैप अचानक से बंद भी हो जाता है। उसका पांव भी काफी इंजर्ड हो चुका था और वो दर्द से चिल्ला रहा था। वो जूल्स को उसे निकालने के लिए कहता है। जूल्स उसे छुड़ाने की मदद तो करती है, लेकिन वो ट्रैप बहुत मजबूती से लगा हुआ था और जूल्स उसे नहीं निकाल पाती। दर्द के आलम में जेसी उससे कहता है कि वो जाए और मेरे लिए मदद लेकर आए। वो लोग काफी दूर आ चुके थे और कैबिन वापस जाने में उन्हें काफी टाइम भी लग जाना, लेकिन जूल्स भागते हुए वापस उस रास्ते पर जाती। दूसरी तरफ एलिस फील करती है कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है और उसे टेलबोट पर ही शक था। वो गीना को कहती है कि मुझे ये आदमी ठीक नहीं लगता। पूरा दिन गुजर चुका होता है और अब रात हो गई थी। जूल्स जंगल में अकेली फंस गई थी, जबकि जेसी अभी तक ट्रैप में ही फंसा हुआ था। और तब जूल्स अपने आसपास किसी की आहट महसूस करती है और यहाँ पर फिर से हमें वो क्रिएचर दिखाया जाता है जो आहिस्ता आहिस्ता जूल्स की तरफ बढ़ रहा था। जूल्स एक ट्री के नीचे छुप जाती है और
और काफी डरी हुई होती है। वो क्रिएचर बिल्कुल उसके ऊपर था और यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो क्रिएचर ब्लाइंड है और वो जूल्स की स्मेल और उसकी आवाज की तरफ अट्रैक्ट हो रहा था। एलिस कैबिन में देखती है कि वो आदमी टेलबोट ब्रेनी को कोई इंजेक्शन लगा रहा था। तब एलिस एक गन लेती है, वो उसके पीछे जाती है और उसे पूछती है कि तुम क्या कर रहे हो और सिरिंज में क्या है। वो कहता है कि ये सिर्फ एंटीबायोटिक्स है। एलिस उसे ऐसा करने के लिए मना करती है लेकिन वो कहता है इसके अलावा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। एलिस उसके शोल्डर पर शूट कर देती है और उसके सर पर भी वार करती है जिससे वो जख्मी हो जाता है। और तभी वो बाहर अजीब सी आवाजें सुनती है और बाहर खुद चेक करने के लिए जाती है, लेकिन जो वो देखती है उस पर वो काफी हैरान हो जाती है कि कुछ दूरी पर एक क्रिएचर है जो लग तो बिल्कुल इंसान की तरह रहा है लेकिन उसकी मूवमेंट से ऐसा नहीं लग रहा। दूसरी तरफ गेना ने टेलबर्ट पर बंदूक तानी हुई थी ताकि वो कोई ऐसी वैसी हरकत ना कर सके। वो आदमी गेना को बताता है कि तुम नहीं जानती कि हम सब यहाँ पर कितने बड़े खतरे में हैं। वो कहता है कि तुम्हें अभी अपनी जख्मी फ्रेंड को शूट करना होगा वरना हम में से कोई भी नहीं बचेगा। ये बातें सुनकर गेना डर जाती है लेकिन वो गुस्से में आकर उसे कहती है कि वो चुप रहे। वो फायर भी करती है और तभी टेलबर्ट केबिन से भाग जाता है। अब केबिन में सिर्फ जख्मी ब्रेनी, एलिस और गेना रह गए थे जिन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें क्या करना चाहिए। और फिर एलिस को उस कैबिन में बेसमेंट का एक दरवाजा मिलता है और जब वो दोनों वहाँ जाती हैं तो उसे देखकर वो और ज्यादा हैरान हो जाती हैं क्योंकि वहाँ पर अजीब से केमिकल्स और मेडिकल सप्लाईज थी। एक बेड और हैंड कप्स भी थे। ऐसे लग रहा था जैसे वहाँ पर किसी को कैद किया हुआ था। वो दोनों समझती है कि ये जो भी है एक सीरियल किलर है जो अपने विक्टिम को यहाँ लाकर तड़पा तड़पा कर मारता है। थोड़ी देर बाद जूल्स भी कैबिन तक पहुंच जाती है। वो काफी डरी हुई और थकी हुई थी। वो एलिस को उस अजीब क्रिएचर के बारे में बताती है और कहती है कि जैसे एक खतरे में है, वो किसी ट्रैप में फंस गया है। एलिस इस बात से हैरान हो जाती है क्योंकि उसने खुद भी उस क्रिएचर को देखा था और उस आदमी ने भी कुछ इस तरह की बातें की थी। फिर हमें दिखाया जाता है कि जहाँ पर जैसी ट्रैप में फंसा हुआ था वो क्रिएचर वहाँ पर आता है और उसका गला काट देता है। और एलिस और जूल्स स्ट्रेचर लेकर जैसी के पास जाती हैं लेकिन अब तो वो जिंदा नहीं था, उसकी सांसें रुक चुकी थी। लेकिन यहाँ पर अजीब बात ये है कि उसकी हार्ट बीट अभी तक चल रही थी, उसकी आईज का कलर भी चेंज हो चुका था। एलिस को लगता था कि शायद वो अभी भी जिंदा है। वो दोनों उसे स्ट्रेचर पर डालकर वापस केबिन में लाने की कोशिश करती है लेकिन रास्ता काफी लंबा था और वो दोनों काफी थक जाती है लेकिन बिल आखिर शाम तक वो केबिन तक पहुंच ही जाती है। अब वो लोग काफी फंस चुके थे क्योंकि उनके दो साथी तो जख्मी थे, मदद लाने का कोई जरिया नहीं था और आबादी से काफी दूर थे जो मुसीबत में फंसे हुए थे। ब्रेनी के बाल और उसके दांत गिर रहे थे लेकिन किसी को भी समझ नहीं आ रही थी कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। और फिर वो ये बात डिसाइड करते हैं कि अगले दिन कोई जाएगा और मदद लाएगा। और फिर जब वो सो रहे होते हैं तब टेलबर्ट अपने घर में आता है और जूल्स तो सो रही होती है तो वो उससे गन ले लेता है और वो एलिस को गन पॉइंट करके कहता है कि जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो, शर्त ये है अगर जिंदा रहना है। लेकिन जूल्स पीछे से एक नाइफ से उस पर अटैक कर देती। जब वो होश में आता है तब एलिस उसे पूछती है कि सच सच बताओ तुम हमारे साथ क्या करने वाले थे और अब से पहले हमारे साथ कितने लोगों के साथ क्या क्या किया। वो कहती है कि हमने तुम्हारा बेसमेंट देख लिया है। और तभी जेसीबी उड़ जाता है। तब गेना देखती है कि वो एक अजीब से मॉन्स्टर में चेंज हो गया है जो काफी डरावना था। वो क्रिएचर गेना पर अटैक करता है और फिर वहाँ से भाग जाता है और आखिरकार टेलबर्ट उन्हें सारी बात खुल के बता देता है कि यहाँ पर हो क्या रहा है। वो बताता है कि एक दिन वो अपनी फैमिली के साथ इस जंगल में आया था। वो बताता है कि मेरा बेटा जंगल में गया था और जब वो वापिस आया तो वो काफी जख्मी था। उसके बाद वो बीमार हो गया और उन्होंने उसका काफी ख्याल रखा लेकिन रात में वो बदल गया और उसने अपनी वाइफ, अपनी बेटी और अपनी माँ तक को मार डाला। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फेरल नाम का एक वायरस है और जिसके अंदर भी ये वायरस जाता है उसके नर्वस सिस्टम को कंट्रोल कर लेता है। पहले तो ये वायरस इंसान को मार डालता है और बाद में उसकी बॉडी को अपने पर्पस के लिए यूज करता है। लेकिन ये वायरस धूप में काम नहीं कर सकता था और लाइट में इंसान को ऐसा ही फील होता है जैसे वो इंसान मर गया हो। और रात के वक्त ये वायरस ठीक अपने अरूज पर पहुंच जाता है। टेलबर्ट बताता है कि वो भी एक डॉक्टर था। वो बताता है कि उन लोगों ने बेसमेंट में देखा वो सच है, उसने अपनी फैमिली को भी यहाँ पर बंद करके रखा था और जो औरत हमें जख्मी दिखाई दी वो उसकी फैमिली में से ही कोई थी और वो इस बीमारी का इलाज ढूंढ रहा था लेकिन इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। और तभी उसने अपनी फैमिली को मार डाला और उसका बेटा जो जंगल में भाग गया था वो भी एक क्रिएचर बन गया था और मैट पर जिसने हमला किया था वो
उसका बेटा ही था और जितने भी लोगों पर उसने अटैक किया वो सब इन्फेक्टेड हैं और इस क्रिएचर में बदल रहे हैं, जैसे कि जेसी और दूसरी तरफ ब्रेनी जो अभी जख्मी है, और यहाँ तक कि गीना भी वो क्रिएचर बन जाएगी क्योंकि जेसी ने उस पर हमला किया था। फिर वो एलिस को समझाता है कि तुम्हें समझदारी से काम लेना चाहिए, तुम्हें इन सबको मारना होगा वरना हम में से कोई नहीं बचेगा। और जैसे ही रात होगी वो यहाँ पर खाना ढूंढने आएंगे और कहता है कि हम ही उनका खाना बन जाएंगे, लेकिन वो उसकी बात नहीं मानती। एलिस उसे कहती है कि मैं अपने फ्रेंड्स को नहीं मारूंगी, कोई ऐसा वायरस एग्जिस्ट नहीं करता। असल में टेलबोर्ट जो कह रहा था वो बिल्कुल सच था, क्योंकि थोड़ी देर गुजरने के बाद वो ब्रेनी में अजीब सी चेंजेस नोटिस करते हैं, लेकिन वो उसे बेसमेंट में लाकर उसे बांध देते हैं। लेकिन ऐसा करने में ब्रेनी गीना को जख्मी कर देती है और ब्रेनी देखते ही देखते एक अजीब से क्रिएचर में बदल रही थी। टेलबर्ट उसे एक इंजेक्शन भी इंजेक्ट करता है और सब काफी डरे हुए थे। वो अपनी मौत सोच लेते हैं कि उनके सारे फ्रेंड्स तो मर गए हैं और वो भी अब मरने वाले हैं, लेकिन एलिस इस बात को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थी। वो गन लेकर कैबिन के ऊपर चली जाती है और वो सब क्रिएचर घर पर हमला कर देते हैं और एलिस एक एक करके उनको शूट करती है। लेकिन बेसमेंट में टेलबर्ट काफी चलाके से जूल्स को बेहोश कर देता है और बाद में मौका देकर वो एलिस पर भी हमला करता है और उन सबको बेसमेंट में बांध देता है। टेलबोर्ट बाहर आता है तो उसका अपना ही बेटा जो क्रिएचर बन गया था उस पर हमला करके उसे मार डालता है। जब एलिस को होश आता है तो वो देखती है कि गीना भी इस वायरस का शिकार हो चुकी है और वो उन लोगों पर हमला करने वाली थी, लेकिन वो गीना को मारने में कामयाब हो जाती है। एलिस उसे भागने का कहती है लेकिन जेसी उसके पांव को काट लेता है। अब सिर्फ बची थी तो एलिस, क्योंकि कोई भी अब वहां एक नॉर्मल इंसान नहीं रहा था। जूल्स एलिस को कहती है कि मुझे उन दरिंदों इंसानों के दुश्मनों जैसा नहीं बनना, तुम मुझे मार दो, लेकिन एलिस उसकी बात नहीं मानती तो वो खुद ही गन लेकर अपने आप ही शूट कर लेती है और एलिस वहां से निकलती है और साथ ही मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।